हेलो स्टाइलो फैम, आप सबका आपके अपने चैनल ब्यूटीशियन स्टाइलो कुदरत पर स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त कुदरत कौर। तो गाइस, आज ही मैंने ये ब्राइडल मेकअप लुक क्रिएट की है। तो वेडिंग सीजन चल रहा है तो मैं और भी काफ़ी सारी जो ब्राइडल लुक्स हैं वो मैं क्रिएट करूँगी। तो गाइस, आपको मुझे सपोर्ट करनी होगी। तो ये मैंने आज ग्लोइंग मेकअप किया है कि विंटर में आप ग्लोइंग मेकअप कैसे कर सकते हैं ओलिविया पेन स्टिक के साथ। तो देखिए कितना प्यारा मेकअप हुआ है, तो कितना ग्लोइंग मेकअप है ये। तो गाइज, आप वीडियोस देखते हैं, एक लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ अगर आप कमेंट नहीं कर सकते, टाइम नहीं होता है, तो कम से कम लाइक कर दीजिए करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसका चार्ज नहीं लगता है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप नए आए हैं तो आपका वेलकम है मेरे चैनल पर, और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कर लीजिए। तो चलो गाइज, देख लेते हैं कि आज की लुक मैंने कैसे क्रिएट की है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले गाइस, मैं यहाँ पर म्यूजिक फ्लावर का ब्राउन कलर का जेल लाइनर ले रही हूँ। इसके साथ मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। आपको पता ही होगा, ये जो जेल लाइनर हैं बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हैं और वाटरप्रूफ हैं और अफोर्डेबल भी हैं। तो गाइस, आज मैं यहाँ पर एज अ मॉइस्चराइजर एंड एज अ प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ दीवा का ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बहुत ही अच्छा है, अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तो आराम से आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। बिल्कुल भी आपको स्टिकीनेस या ऑयलीनेस आपको बिल्कुल भी नहीं देगा। ड्राई स्किन के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो सर्दियों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लिप्स पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छी ग्लो भी देता है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ पेन स्टिक गाइस। तो मेरी शेड है 03, ये मेरी स्किन टोन से थोड़ी सी लाइट है। तो इसके साथ मैं अपने आईब्रोज़ को जो है मैं नीड कर रही हूँ, और एज आई प्राइमर एंड आई कंसीलर भी मैं इसी को ही यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं ब्रश की हेल्प के साथ लगा रही हूँ, फिर फिंगर की हेल्प के साथ मैं इसको ब्लेंड करूँगी और ऊपर की साइड से भी मैं इसको नीड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट है ये, इसके साथ मैं कंसीलर को सेट कर लूँगी। तो गाइज, ये मैंने टोनर यूज़ किया था, DIY टोनर, इसकी वीडियो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट हैं इसके। तो ये वाला पैलेट, यहाँ पर मैंने दो पैलेट्स यूज़ किए हैं। ये पैलेट मैंने ऑनलाइन बाय किया है, बट पता नहीं इसका नेम क्या है। तो इसमें से पिंकी शेड लेकर मैं ट्रांजिशन शेड बना रही हूँ। तो इसको भी आप अपनी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग बनाएं, जितनी आप चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो मुझे जितनी इंटेंसिटी इसकी चाहिए, जितना डार्क शेड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद इससे थोड़ा सा जो डार्क शेड है मैं उसको ले रही हूँ, उससे एक पेंसिल ब्रश की हेल्प के साथ अप्लाई कर रही हूँ उसी शेड के नीचे, और इसके साथ साथ ही मैं इसको ब्लेंड भी कर दूँगी और आउटर वी पर भी इसको अप्लाई करना है। अब मैं ट्वाइलाइट के पैलेट में से ये वाली शेड लेकर इसको मैं आउटर वी पर अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा ही मैं इनर साइड पर लेकर आऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आएगा तो आई लुक अच्छा आएगा। तो इसको मैं इनर साइड पर भी लेकर जा रही हूँ, साथ में ही ब्लेंड कर रही हूँ। अब फिर से मैं इस पैलेट में से ये पर्पल शेड ले रही हूँ, क्योंकि जो मेरा लहंगा है दुपट्टा है उसमें हल्का सा पर्पल शेड है। तो मैं चाहती थी कि आईज़ जो हैं ड्रामेटिक सी हों थोड़ी सी, क्योंकि मेरा लहंगा बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा इस तरह अप्लाई कर रही हूँ, जो मैंने शेड अप्लाई किया है उसके नेक्स्ट अप्लाई कर रही हूँ, और मैं साथ साथ ही इसको मैं ब्लेंड भी करती जा रही हूँ। तो उसके बाद मैंने लिया था ब्लैक शेड, थोड़ा सा उसको भी मैं आउटर वी की साइड पर अप्लाई किया था, और मैंने इसको अच्छी तरह जो है ब्लेंड कर दिया था। तो आप देख सकते हैं दोनों आईज़ को कितनी प्यारी लग रही हैं। अब मैंने फिर से यूज़ किया है कंसीलर, तो वही वाला मैं ओलिविया का ही पेन स्टिक ले रही हूँ। तो इसके साथ मैं हाफ कट क्रीज कर रही हूँ। अगर आप कट क्रीज की डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज, इस तरह मैं कट क्रीज बना रही हूँ। उसके बाद मैं ट्वाइलेट पैलेट में से ये वाली डल गोल्डन सी शेड ले रही हूँ। इसको पहले मैं फिंगर की हेल्प के साथ लगाऊंगी, उसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प के साथ मैं इसको अच्छी तरह अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि फिंगर जो होती है कॉर्नर्स पर नहीं जाती है, और जो लाइन की क्रीज लाइन की नीटनेस है वो भी नहीं आएगी फिंगर से। तो इसलिए मैं ब्रश की हेल्प के साथ इसको नीट कर रही हूँ। तो अब मैं ये वाली शेड ले रही हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा गोल्डन एंड जो मैंने पर्पल शेड अप्लाई की थी ना, उन दोनों शेड्स को मैं यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ। ये भी शिमरी शेड है, इसके साथ थोड़ा सा ग्रेडियंट इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं ग्लिटर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने इस तरह अप्लाई किया, बाद में फिंगर की हेल्प के साथ अप्लाई कर रही थी, लेकिन मेरी शेडो को ये रिमूव कर रहा था तो मैंने छोड़ दिया। फिर से मैंने पहले अपनी जो शेडो अप्लाई की थी उसको ठीक किया।
तो मेरे पास और कोई ग्लिटर ग्लू नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया था एलोवेरा जेल। लेकिन अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं तो भी सिक्योर सेफ साइड पर आपको होना चाहिए, तो आप ग्लिटर ग्लू यूज़ करें। तो मेरे पास अभी नहीं था तो उसी टाइम यूज़ करना पड़ा। लेकिन अगर आप वैसे ही अपना मेकअप करें या पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, ये ठीक है, अच्छी है। बट आपको पता है ब्राइडल के लिए थोड़ा सा हमें लॉन्ग लास्टिंग चाहिए होता है, तो आप ग्लिटर ग्लू ही अप्लाई करें। तो उसके बाद फिर से मैंने पिंक शेड लेकर, मैं थोड़ा सा जो ट्रांजिशन शेड है ना उसको मैं नीट कर रही हूँ थोड़ा सा। उसके बाद मैंने ये वाला पैलेट लिया है, इसमें से मैं ऑरेंज शेड ले रही हूँ, तो मैं अपनी जो डिसकलरेशन है वहाँ पर अप्लाई करूँगी। आप इसकी जो शेड आती है येलो शेड वो भी यूज़ कर सकते हैं ओलिविया पेन स्टिक की, लेकिन यहाँ केनिया में ओलिविया की पेन स्टिक्स वगैरह नहीं मिलते हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स मिलने थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो मैंने ये वाली पेन स्टिक इंडिया से मंगवाई थी, तो मेरे पास एक ही स्टिक है। तो अगर आप चाहें तो ओलिविया की येलो वाली शेड लें। तो मैं इसको अब अप्लाई कर रही हूँ, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। इसकी जो कवरेज है मैंने देखी है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, ठीक ठाक है। तो आप इसको दो बार अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी कवरेज आपको दे देगी। उसके बाद मैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ इसको कर रही हूँ ब्लेंड। ये मत सोचिएगा कि अगर इसको अप्लाई करना है तो आप ड्राई जो स्पॉन्ज है उसके साथ ही अप्लाई करें, नहीं, आपको ब्यूटी ब्लेंडर को डैम्प ज़रूर करना है, उसके साथ ही अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगा तो ये ग्लोइंग इफेक्ट भी देगा। और दूसरा, हमने जो नीचे ग्लिसरीन अप्लाई की है ना गाइज, आप आगे जाकर देखिएगा उसकी वजह से आपका फेस कितना ग्लो कर रहा है, कितनी ड्यूई लुक आपको मिलेगी उसके साथ, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। तो मैं जो ग्लिसरीन के और भी काफ़ी हैक्स जो है मैं ट्राई कर रही हूँ, DIY ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे जैसे जैसे अच्छे जिस जिस चीज़ के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आने वाली वीडियोज़ में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया गाइस कि मेरे पास और कोई स्टिक नहीं है ओलिविया की, तो मैं इसी को ही एज अ हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। वो किस तरह अप्लाई करना है हाईलाइट के लिए वो भी अभी आप देखिएगा क्या ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं इसको थोड़ा सा और लाइट दिखाने के लिए। तो मैं इस तरह अपने अंडर आइज, नोज, इस तरीके से आप देख रहे हैं मैं कहाँ का अप्लाई कर रही हूँ, तो इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो उसके बाद आपको अगेन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ इस सारे कंसीलर को ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ क्रीम ब्लश, मैं यूज़ कर रही हूँ, ये HD ब्लशर है, तो इसको मैं फिंगर की हेल्प के साथ इस तरह अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी। आप बिल्कुल ही लाइट मत कर दीजिएगा ब्लेंड करके, क्योंकि जब हम दूसरे प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो उसके साथ ही अपने आप ही नेचुरल आपको लुक देगा। तो यहाँ पर मैं मैक का ये कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, ये थोड़ा सा लाइटर शेड है, तो इसको मैं वहाँ वहाँ अप्लाई कर रही हूँ जहाँ भी मैंने कंसीलर जो है एज अ कंसीलर पेन स्टिक यूज़ की है, तो वहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर अगेन मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट, तो इसके साथ मैं अपने पूरे बेस को सेट कर रही हूँ। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ गाइस, अगर आप ओनली पेन स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो आपको पाउडर अपने फेस को ज़रूर करना होगा, ज़रूर अपने पेन स्टिक को सेट करना होगा। लेकिन अगर आप पैन केक यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पाउडर की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप स्टिक के ऊपर पैन लगा कर पैन केक यूज़ कर रहे हैं स्टिक के ऊपर, तो भी आपको पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ओनली पेन स्टिक यूज़ किया है तो इसलिए मैं पाउडर की हेल्प के साथ इसको सेट कर रही हूँ। तो जो भी लगाएं आप अपने बेस को, पाउडर को, अपने नेक एरिया, अपने ईयर्स को कभी मत भूलिएगा। अब फिर से मैंने वही डार्क शेड ली है, तो इसको मैं ब्रश की हेल्प के साथ अपनी लोअर लैश लाइन पर लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया एले गर्ल का जेल लाइनर, इसको मैं पहले वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं लैश लाइन पर इसको हल्की सी थिक लाइन बनाते हुए मैं इसको अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी आई शेडो, यूज़ कर रही हूँ करूँगी ब्लैक कलर की, उसके साथ मैं इस ब्लैक शेड को थोड़ा सा सेट कर दूँगी और ब्लेंड भी कर दूँगी, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा जो लाइनर है ना थोड़ा सा फैल जाता है, तो इसके साथ ही लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, फैलेगा नहीं, सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर से मैंने डार्क शेड ली थी, उसके साथ मैं इस जो मैंने काजल लगाया है मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगी ताकि अच्छी सी लुक आए। तो सेम जेल लाइनर को मैं एज अ लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर आपको वहाँ तक ही लगाना है जहाँ तक आपने स्मोक आउट किया है, बहुत ज़्यादा कोई विंग या कुछ ऐसा क्रिएट नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर मैंने उषा का ब्रॉन्ज़र यूज़ किया है, ये थोड़ा सा शिमरी ब्रॉन्ज़र है, तो मैं इसके साथ मैं अपने फेस को ब्रॉन्जिंग थोड़ा सा करूँगी, इसी को ही एज अ कंटोरिंग भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने कोई भी क्रीम कंटूर वगैरह नहीं यूज़ किया है, तो इसको आपको जहाँ लगता है आपको लगाना है, ज़रूरत है आपको, तो वहाँ पर आप वैसे भी हम जब बेस लगाते हैं तो बेस एकदम वाइट हो जाता है, थोड़ा सा कलर उसको देना होता है तभी हमारा फेस मेकअप अच्छा लगता है। तो मैं अपने नोज़ को भी एक ब्रश की हेल्प के साथ इसी के साथ ही कंटूर कर रही हूँ, उसके बाद मैं फिंगर की हेल्प के साथ इसको ब्लेंड करूँ।
तो अब मैं ब्लशर पैलेट में से ये बिल्कुल लाइट सा पिंक शेड ले रही हूँ, इसके साथ मैं ब्लश ऑन कर लूंगी। तो अभी आप देखिएगा जो ब्रॉन्जर है थोड़ा सा मैंने डार्क रखा था, जब सब कुछ ब्लेंड हो जाएगा तो एक नेचुरल लुक आपको मिलेगा। तो देखिए ब्लेंड होने के बाद कितना नेचुरल सा हो गया है। तो यहाँ पर मैं फोकलोर का स्कल्प्ट पैलेट यूज़ कर रही हूँ, इसमें से मैं हाइलाइटर ले रही हूँ और अपनी ब्रो बोन को, अपनी जो लाइन, नोज़, अपनी क्यूपिड बो एंड चिन और फोरहेड पर मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने फेस को ग्लोई बनाने के लिए। ये वाला हाइलाइटर बहुत ही नेचुरल जो है आपको लुक देता है, बहुत ही प्यारा लगता है जब आप इसको लगाते हैं। तो आप देखिएगा आगे जाकर कि कितना प्यारा ये लग रहा है, आपका फेस भी बहुत ही अच्छा और ग्लोइंग लगेगा गाइस। तो देखिए इसका ग्लो कितना अच्छा है, कितना नेचुरल लुक दे रहा है। तो इसको मैं हल्का सा फिंगर की हेल्प के साथ ब्लेंड कर रही हूँ ताकि लाइंस लाइंस ना लगे। तो इसके बाद मैं अपने आई लैशेज को कर्ल कर लूँगी। तो मैं फॉल्सीज अप्लाई करूँगी ऑफ लाइन गाइज, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैंने मेकअप जल्दी से ख़त्म किया, खाना खाया और बाकी का जो पार्ट है मैंने बाद में शूट किया था। तो यहाँ पर मैं फोकलोर का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ अपने अपर एंड लोअर लैशेज को कोट करने के लिए। तो यहाँ पर गाइस मैंने किस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ किया था और मैंने यूज़ की थी रिमल की लिपस्टिक, ये मैट लिपस्टिक है। तो इसके ऊपर मैंने ग्लॉसी लुक देने के लिए मैंने यहाँ इसके ऊपर लगाया था किस ब्यूटी का लिप ग्लॉस, तो इसके साथ ये ग्लॉसी लुक आ गया था। तो गाइस अगर आप वीडियो लाइक करना भूल गए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो जो वीडियो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया था किस ब्यूटी की सेटिंग स्प्रे, तो इसको आपको अपने आप ही ड्राई होने देना है, तो बहुत ही ड्यूई लुक आपको मिलेगा। तो ये लुक मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, आपको कैसे लगा है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस कि आपको ये लुक कैसे लगी है, मुझे तो बहुत प्यारी लगी है। तो अगर आप इस लुक को रिक्रिएट करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक और मेरे फेसबुक का जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा गाइस। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो बाय बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।